हूँ मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 1:45 हो रहे हैं। यस, इतना लेट इसलिए क्योंकि आज मैं 12 बजे सो के उठी थी और उसके पीछे थोड़ा सा रीजन था, तो मैं सेम रीजन आपको रिपीट नहीं करना चाह रही। यार मेरी ट्री ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी, थोड़ी सी मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ठीक रहने की, बट मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब रहती ही है परमानेंट, तो इस वजह से आज मैं थोड़ी सी लेट सो के उठी थी। तो मेरी मम्मा को और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी नहीं है और है भी, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं चलो फिर से, क्योंकि अभी ना मैंने बताया था आप लोग को मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे, एक मिनट, मैं जाने वाली हूँ फेस्टिवल से पहले मुझे थोड़ा सा अपना घर के काम पूरे कर लेंगे। ये ना मैंने एक ड्रेस मंगाई थी, तो ये ड्रेस तो ठीक है, अच्छी आई है, मतलब अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, सो सो है। तो मेरी मम्मा ने बोला कि आप ऐसा ही एक फैब्रिक लाके खुद भी बना सकती हो एक सुंदर सी ड्रेस और वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इसीलिए ना मैं उसका फैब्रिक भी लेने जा रही हूँ। अब देखते हैं हमें ऐसा फैब्रिक मिलता है कि, ये तो ब्लैक में, अगर मुझे कुछ ब्लैक में अच्छा मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं कोई और कलर में ले आऊँगी, वैसे तो कलर बहुत सारे होते हैं। और अब देखते हैं मम्मी तैयार हो गई, यानी मम्मी हो गए आप तैयार? अभी तो बालों में कंघा लग रहा है आपके, 2 सेकंड 1 2 खत्म, 2 सेकंड तो 30 ही होती है ना गाइस, इसलिए 1 2 खत्म। मेरे शूज भी गंदे हो रहे हैं, अभी मैं इनको ही पहनूँ। मैं ना पता क्या करती हूँ, पहले एक ही शूज पहनती रहती हूँ, जब तक वो गंदे नहीं होते ना फिर दूसरे पहनती हूँ। तो गाइस मम्मी और मैं मार्केट से आ चुके हैं, बट आज हमें कुछ भी नहीं मिला है ना मम्मी? हाँ बेटा, आज हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला क्योंकि आज हम मेरे लिए लेने गए थे, इसलिए यार एक दो चीज़ें देखी भी तो मतलब कॉस्टली की बात भी नहीं थी, मतलब पसंद सा नहीं आया कुछ भी एकदम से, जो एकदम चीज़ हटके हो ना मुझे वो वाली चीज़ लेनी पसंद है। बट इससे पहले जब हम मम्मी के लिए कुछ देखने गए थे ना तब तो बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल गया था, एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मिली वहाँ पर, भीड़, बस भीड़ ही थी, भीड़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मम्मी ये वाली ड्रेस दिखाना जरा खोल के, ये देख यहाँ पे आओ, ये लोग बताएंगे कैसी लग रही है, उठाओ इसको, उठाओ, ये ठीक ठीक है, सो सो है, मतलब मेरा क्या मन था इससे भी अच्छी ड्रेस देखूं कोई, बट फिर मिली नहीं, तो अब देखते हैं मैं इसको रिटर्न करूँगी या फिर रखूँगी। गाइज ये ड्रेस है, ये मेरी, इसका पीछे है, बट ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, ये देखो लॉन्ग से ज़्यादा, बेटा मुझे इसका कपड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा, कपड़ा अच्छा नहीं है, हाँ पर वैसे ठीक है लुक वाइज तो। सो गाइज मार्केट से आने के बाद में ना मैं ऊपर आ गई, अब पता है मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा मन है, देखो आप ये देख चुके हो आप लोग, मेरा मन है पता है मेरे पास बिल्कुल भी इस टाइम काजल नहीं बची है कोई भी, ठीक है मेरी सारी काजल और 2-3 मेकअप के मैं सामान लाई थी, ज़्यादा तो नहीं लाई, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं थोड़ा बहुत सदर से ख़रीद के लाई थी, तो अब मुझे वो सारा सामान खोल ही लेना चाहिए। और वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं देखा था कि अभी तक कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ या क्या क्या नहीं, तो इस वजह से सबसे मेन तो मैं इसीलिए खोल रही हूँ। अब मैं इसका हॉल, एक अलग से वीडियो आएगी ये कि मैंने सदर से क्या क्या बाय करा, आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर जाके चेक कर लेना और बताना कि मैं कैसा सामान खरीद के लाई हूँ अपने घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं तो गाइस अब ना मेरा रूम थोड़ा सा क्लीन भी कर लिया है मैंने और बाकी का ना कल करूँगी, और शायद ये लाइट ना भी ब्लिंग ब्लिंग हो रही होगी, वेट। हाँ तो गाइस मैंने ना अपनी लाइट्स ऑफ कर दिए क्योंकि जब मैं नीचे जाती हूँ ना हमेशा लाइट्स ऑफ करके ही जाती हूँ, बस शूज़ ले लिए अपने और मैं जा रही हूँ अब जिम, 1 घंटा जिम करने के बाद में डिनर करना है, उसके बाद अपनी रील्स अपलोड करनी है और फिर मेरे को अपनी क्लास करनी है। मुझे हमेशा बहुत सारे काम होते हैं, मैं ना अपनी लाइफ में सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो गाइस मैं आ गई जिम से भूखी प्यासी एकदम, मम्मा खाना कितनी देर में बनाओगे आप? बस बना रहे हो, थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू यार, बस मेरे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जब मैं जिम से आती हूँ ना मुझे इतनी जोरों तोरों से भूख लगती है। तो गाइस आज फिर से हमारी ना
गली में भी बोल सकते हैं, घर पे भी काली आने वाली है, जल्दी से हम देखने जा रहे हैं। मम्मी चल रही हो काली देखने? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों गई वो रही इधर ही मान्या? हाँ। चलो मान्या मैं देख के आते हैं। हाँ। तो गाइस हमारी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हुआ, ये बिल्ली का बच्चा और इसका नाम है हिमांशी। इस बिल्ली के बच्चे का नाम है हिमांशी, इसका इसका रियल नेम है हिमांशी। भैया रुको, भाग क्यों रहे हो? रुक जाओ, ये काट वाट तो ना लेगी। मेरा तो बात बहुत देर से है। अरे अंदर रख देंगे। अरे पागल है, गाड़ी में रखा जाएगा। हुआ मुबारक हो, तुम्हारे घर में एक पोती आई है। लड़की तो हो गई बिल्ली बती। ऐ बुआ हद है तुमसे भी, पोती को भतीजी बता रही हो? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें कहते हुए। नहीं, ये मेरे भैया की बेटी है, ये तुम्हारी पोती है। तो गाइस हमारे घर में आई है लाली। लाली आई है हमारे घर में। लाली बुआ क्यों ये पोती? ये कहेगी मुझे बुआ। है भैया हमारे घर में लाली आई है। तो गाइस ये देखो हमारी माई। आ जाओ मान्या, आ जाओ, चल रहे चल रहे। हाँ ये दोनों डरपोक बच्चे। तो गाइस अब काली चली गई है हमारे यहाँ पे ना। हमारे इधर बुलंदशहर साइड बहुत ज़्यादा ऐसे वाली काली निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा तो जो मेन मार्केट है ना वहाँ पे निकलते हैं। हमारे साइड तो बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं। मेरी मम्मा तो सो गई हैं, मेरे को बस जरा एक काम है, मैं पहले ऊपर जाती हूँ, फिर मेरे को ना अपनी टी शर्ट चेंज करनी है क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हूँ। मेरे को अपना नाइट सूट वाली ड्रेस जो है ना उसी में मैं कम्फर्टेबल होती हूँ। और गाइस ये मेरे ब्लॉग का सेकंड डे। आज ना मेरी मदर कहीं बाहर गई हैं, मेरी मदर के चाची की डेथ हो गई तो उनकी तीरवी में। गाइस पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले ये शूज देखो आप कितने सारे हैं, ठीक है? ये टोटल 10 जोड़ी से भी ज़्यादा शूज़ हैं, और इनमें से 2-3 जोड़ी और नीचे। जब मैं सारे वॉश कर दूँगी ना, लाइन से काउंट करके आपको दिखाऊँगी कितने सारे शूज़ हैं। हम ना जब शॉपिंग करने गए थे तो मेरे भैया बोलते हैं कि मेरे को भी शूज़ लेने, तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं आप लोग नहीं लोगे, आपके पास बहुत सारे हैं। तो फिर मेरी मम्मा ने बोला कि आप ही दोगे, तो उन्होंने धोए तो नहीं, अब ये मुझे ही वॉश करने पड़ेंगे। हमारे घर में इतने सारे शूज़ हैं, सबके पास बहुत बहुत सारे। अब जिसको भी गाइस अपने पास शूज़ या कुछ भी कम लगता हो ना, जैसे ये एक रील चली थी कि जिसको अपना घर छोटा लगता हो झाड़ू पोछा करके देखे, तो सेम ऐसे जिसको कम लगते हो ना वो झाड़ू इन्हें धो के देखो एक बार, तब पता चलेंगे आपके पास कम है या ज़्यादा है। तो गाइस अब शाम के, हाय गाइस, तो अब शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मैं आज इतना काम करा आज मैं पूरे दिन इतनी बिजी रही कि मैं अब नहीं हूँ। सुबह से इतने सारे शूज़ वगैरह धोए, इतना काम था, क्योंकि हम करना लागू रहा कल पहले बार ऊपर करने वाले हैं, इसलिए मैंने ऊपर का पोर्शन पूरा क्लीन करा, तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरा अब तो मन भी नहीं लग रहा, क्योंकि सुबह से मेरी मम्मा ने ना जब से काम कर रहे थे तब तक तो ठीक था, फ्री हो गई हूँ ना तब से बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा, बस उनका वेट कर रही हूँ कब वो आएंगी। तो गाइस आज हमारी गली में ना फिर से काली आ गई। मुझे काली के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मुझे ना देखना इतना ज़्यादा पसंद है, और मैं जल्दी से ना जाके अपने बाल बाल जो बस भूतलियों की तरह बिखरे हुए हैं। तो बस मम्मा नीचे ही खड़ी हैं, मेरे को जल्दी से अपने बस हेयर्स में क्लिप लगानी है, और फटाफट लगा कर मैं भी देखूंगी काली। Come on.
भैया आरती कहाँ है? अनीस भैया इधर साइड हो जाओ। आरती है? आरती क्यों नहीं हो? वो तो रही। आंटी जल्दी करो। मम्मी मम्मी जल्दी चलो जल्दी। व्लॉग बनना है, व्लॉग बनना है। तू आड़ तो रहा था बीच में, बनने का दिया ठीक से। कट कर देना। भैया रुक जाओ, मुझे मतलब प्रसाद माई प्रसाद सबको माई खड़े होके माई खड़े होके आराम से तो गाइस आज हमारी गली में पूरी चार काली आई है। अच्छी खासी रौनक हुई है आज। एक साथ आज ऐसा लगा है सुनारों वाली गलियों में रहते हो। मम्मी लोग तुम आरती निकालो, मैं वीडियो बना के लाती हूँ। ठीक है मम्मी, खुले पैसे ले लो। मम्मी खुले पैसे ले लो। चल भाई चल, आज आ गए। चलो अब हम दोनों व्लॉग बना के लाते हैं आगे से। चलो वहीं से चल रहे हैं। चलो कैसा तेरी बैटरी लो हो गई हूँ भैया। भैया भैया तो गाइस कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग? बहुत अच्छा। मम्मी ने खुद कह दिया वो दिन अच्छा भी। और आज ना गाइस एक और दुर्घटना घट गई। हमारी आंटी है घर के सामने रहती है, उन्होंने एक छोटी बच्ची को पिटवा दिया। ये आंटी ने उस बच्ची की जबरदस्ती की कर दी कि वो ऐसा ऐसा चली गई, बिना बताए चली गई। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। बट आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छी काली निकली आज हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छी। आज से पहले ना मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। सच बताऊँ दुनिया का नवरात्रि एक तरफ और हमारे बुलंदशहर के नवरात्र एक तरफ, ऐसे नवरात्र कहीं नहीं बनते होंगे जैसे यहाँ बनते हैं, बहुत अलग। और मेरे भैया बता रहे थे, मतलब मेरे रियल भाई नहीं एक और आए थे एक दिन, वो बता रहे थे तो वो कुछ 126 या कुछ इतने साल पुराने ये मेले निकलते हैं। तो गाइस मेरी मम्मी ना रात को प्लांट्स को पानी दे रही हैं। बात रात की नहीं है, इनके हिसाब से मतलब यार पानी देना चाहिए बस इनको। देखो हमें हमें भूख रात को भी लगती है ना, ऐसे ही इन्हें प्यास लग रही होगी क्योंकि आज मम्मी दिन में कहीं चली गई थी ना। और ये देखो गाइस यहाँ पे कितना सारा
वो लगा रहता था ना ढेर एकदम, तो वो आज मैंने क्लीन कर दिया, बहुत मेहनत लगी, खून पसीना बहा मेरा तब ये जाके साफ हुआ है। मम्मी ये बहुत खून पसीने से साफ हुआ है। ऋतिक यहाँ पहला गाइस, हमारी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, ये देखो अपनी मम्मी को याद कर रहा है, माऊ माऊ। हाँ यही मैं कह रही हूँ, देखियो उसका मन ना कर रहा होगा अपनी मम्मी के घर जाने का।